आदित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में अलजेब्रा से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ सवाल सॉल्व करूँगा। तो आप देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है C+1/C इज इक्वल टू √3। तो पूछा गया है C³+1/C³ क्या होगा। ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2016 में पूछा गया है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। C+1/C इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, सी का क्यू पूछ रहा है। तो इसका अगर क्यू करते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था C³+1/C³ क्या हो जाएगा, √3 का क्यू हो जाएगा और -3 × √3 हो जाएगा। तो इसको आप अगर क्यूब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस, ये भी 3√3 दिया हुआ है इधर, तो ये दोनों घटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0, जो कि सीजीएल प्री 2016 में पूछा गया था। अगर पूछा जाता C+6+1/C, जो कि ये भी सीजीएल प्री, ये मेंस में पूछा गया था, ये मेंस 2016 में पूछा गया है। अगर ये पूछा गया तो इसको कैसे बनाएंगे, सी का क्यू निकल गया है तो सी का 6 पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या हो जाएगा, सी का क्यू है +1/C³ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, और ये मेरे लिए ए है और ये मेरे लिए बी है, तो ये 2 × a क्या हो जाएगा, सी का क्यू हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, सी का क्यू, 1/C³, ये से ये कट जाएगा। और अगर इधर स्क्वायर किए हैं तो इधर 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये C⁻⁶ हो गया +1/C⁻⁶ हो गया, ये +2 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो C⁻⁶ + 1/C⁻⁶ का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, ये -2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, X² + 1X² इज इक्वल टू दिया हुआ है 98। तो क्वेश्चन में पूछा गया है X³ + 1Y²। एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स का क्यू पूछा गया है, तो हमको पहले क्या पता करना है, X+1Y, ये पता चल जाएगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये 98 दिया हुआ है, अगर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा। देखिए इधर ax² हो गया और ये x² है, प्लस इसमें 2 × x/1x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98+2, क्योंकि ये दोनों कटेगा तो ये तो 2 ही बच जाएगा, और ये इधर किसके फॉर्म में हो गया, x+1x² इज इक्वल टू कितना हो गया, 100। तो x+1x बराबर, यहाँ से पता चल गया 10 आ गया, या तो आप ±10 भी लिख सकते हैं। तो x³ + 1x³ की क्या हो जाएगा, अगर +10 लेकर चलते हैं तो 10³, और माइनस क्या हो जाएगा, 3 × 10, तो ये 1000 - 30, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 970। देखिए यहाँ 98 दिया हुआ था, x² / 1+x², ये दिया हुआ है 98, तो 98 हमको देखना है कि 98 के नज़दीक में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 98 के नज़दीक में 100 है, जो कि नज़दीक में है, सबसे नज़दीक में। तो हम डायरेक्ट यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये 10 का स्क्वायर हुआ होगा, तो यहाँ से x+1/x 10 हो जाएगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं x+1/x। अगर +10 लेकर चलें तो ये 970 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ x⁻⁶ भी पूछता तो इसका होल स्क्वायर कर देते जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, x+1x
इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 5xy एक्स स्क्वायर प्लस 5x+1 बराबर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन प्री 2016 में पूछा गया है, सीजीएल प्री 2016 में। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 1/x यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी x दिया हुआ है तो यहाँ से ऊपर नीचे x से डिवाइड दे दीजिए, तो 5x और y में x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी x से डिवाइड दे देते हैं तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/x बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 5 डिवाइडेड में x प्लस 1/x, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 5 दिया हुआ, तो 5 प्लस 5 बच गया, तो ये 5/10 1/2 इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, x प्लस 1/x दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ 4x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, जहाँ x नॉट इज इक्वल टू 0 है, ये भी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पूछा गया है हमसे 5x डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। तो फ्रेंड्स उस इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से x x ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड दे देंगे तो आसानी से आंसर पता चल जाएगा, x से डिवाइड देंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 4x, यहाँ पर क्या बच जाएगा 10, x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1/x, तो यहाँ से देख रहे होंगे आप 4x प्लस 1/x क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 के बराबर है, तो 5 तो यहाँ पर 5 प्लस 10 लिख देंगे तो ये 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स टू द पावर 18 प्लस एक्स टू द पावर 12 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, इसी के मदद से हमको बनाना है आंसर। तो यहाँ पर अभी हम लोग किए थे तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब कितना आया था, 0 आया था, किस तरह से 0 आया था, 3 रूट क्यू का 3 और माइनस 3 इंटू √3, इसको सॉल्व करिएगा तो ये 0 आ जाएगा, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब 0 हो गया। तो यहाँ से ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x का पावर 6 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x का पावर 6 बराबर क्या बच जाएगा, -1, x का पावर 6 बराबर -1 बचा है, और ये 6 का आप देख रहे हैं 6 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 18 भी आता है, तो इसको x के पावर 18 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 6 के पावर 3 लिख सकते हैं प्लस एक्स के पावर 6 का पावर 2 लिख सकते हैं प्लस एक्स का पावर 6 दिया हुआ है प्लस 1 यही दिया हुआ है, और एक्स के पावर 6 बराबर -1 आप देख रहे होंगे, तो एक्स का पावर 6 यहां पर पुट कर देंगे -1, तो -1 का पावर क्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहां -1 का पावर स्क्वायर है यानी कि सम संख्या है, -1 का पावर अगर इवेन रहता है तो ये क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, अगर -1 का पावर ऑड रहता है तो ये निगेटिव में वैल्यू दे देता है -1, तो यहाँ पर इवेन नंबर है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 1, अब प्लस ये कितना दिया हुआ है, एक्स का पावर 6 बराबर -1 दिया हुआ है, और प्लस 1 ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसका आंसर क्या आ गया, 0, तो इस सवाल का उत्तर हो गया 0। अगर इसमें एक्स टू द पावर 24 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 24 यानी कि 1 ऐड हो जाएगा, और क्योंकि एक्स का पावर 6 है और 6 का पावर 4 हो जाएगा जो कि सम संख्या है,
तो माइनस वन का पावर फोर वन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वन। हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्स इंटू थ्री माइनस टू बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई एक्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये दिया हुआ है मेरा, इफ एक्स इज इक्वल टू इतना बराबर इतना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर क्या होगा। और इसमें आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ए बराबर ऑप्शन दिया हुआ है थ्री इज टू वन बाई नाइन, बी ऑप्शन दिया हुआ है थ्री इज टू टू बाई नाइन, सी में ऑप्शन दिया हुआ है टू इज टू वन बाई नाइन, और डी में दिया हुआ है टू इज टू फोर बाई नाइन। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमको इसके मदद से इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको पहले तोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से थ्री एक्स हो जाएगा माइनस। जब तक आप तोड़िएगा नहीं, जब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आगे किस तरह से सॉल्व करें कोई भी क्वेश्चन को। आप जैसे जैसे तोड़िएगा आपको उस तरह से रास्ता दिखते जाएगा। तो थ्री एक्स और माइनस एक्स, एक्स से कैंसिल हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू बचेगा बराबर थ्री बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ देख रहे होंगे थ्री एक्स है, यहाँ थ्री बाई एक्स है, तो इस थ्री बाई एक्स को इधर ले आइए, तो थ्री एक्स और माइनस थ्री बाई एक्स हो जाएगा, और इस माइनस टू को उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। यहाँ से थ्री थ्री कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन बाई एक्स बचेगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स, और ये थ्री उधर चला जाएगा तो टू बाई थ्री बच जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन बाई एक्स दी पता चल गया टू बाई थ्री, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस टू इंटू ए इंटू बी होगा। तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा फोर बाई नाइन, और इधर का माइनस टू इधर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा बाईस बटा नौ। इसको अगर तोड़िएगा तो ये आ जाएगा दो सही चार बटा नौ, तो डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, वो आखिरी होगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स बराबर दिया हुआ है रूट टू प्लस वन। आपसे पूछा गया है एक्स टू द पावर फोर माइनस वन बाई एक्स टू द पावर फोर। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, मेंस 2016 में, ये क्वेश्चन मेंस 2016 में पूछा गया है। तो एक्स बराबर रूट टू प्लस वन दिया हुआ है, तो यहाँ से किस तरह से एक्स का पावर फोर माइनस वन बाई एक्स का पावर फोर निकालेंगे। एक का वैल्यू ये दिया हुआ है तो वन बाई एक्स यहाँ से निकल जाएगा, वन बाई एक्स क्या हो जाएगा वन बाई रूट टू प्लस वन, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये रूट टू माइनस वन हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू पता चल गया, वन बाई एक्स का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से एक्स माइनस वन बाई एक्स निकल जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स निकल जाएगा, इससे इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स, और एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स यहाँ से रूट टू और रूट टू क्योंकि वन वन कट जाएगा तो टू रूट टू हो जाएगा। अब एक्स का पावर फोर माइनस वन बाई एक्स का पावर फोर निकालना है, तो ये किस तरह से निकलेगा, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं फार्मूला। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर और इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना, एक्स का पावर फोर हो जाएगा, वन बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वन बाई एक्स का पावर फोर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी उसी तरह से यही फार्मूला में तोड़ देते हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स और इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, और इसका वैल्यू दिया हुआ है अभी निकाल लेते हैं हम लोग, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ये टू रूट टू दिया हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा सिक्स। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर निकालिएगा तो टू का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा,
और इधर का माइनस टू इधर आ जाएगा, तो फोर और टू सिक्स हो जाएगा। और एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है टू, और एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है टू रूट टू और इंटू सिक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24√2 आ जाएगा, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में भी सॉल्व करवाऊंगा, और सभी चैप्टरों को शुरुआत से बताऊंगा, और उनके सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन सारे को सॉल्व करवाऊंगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।